Asalaamu As Alaikum students, how are you all? I hope you all are doing well and safe. Uh, so, after vacations today, we will start our exercise 3.8. For exercise 3.8, please open your book page number 49. So, here is our exercise 3.8. Okay, students, let's read out the first question that is, solve each of the following Write your answer in simplest form and you can take help from the above examples. Okay? वो तो कह रहे हैं कि आपने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इनका आंसर देना है और आप एग्जांपल से भी हेल्प ले सकते हो ओके okay? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वन बाई सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री बाई एट तो चलें अपनी नोटबुक्स खोलें और पेज आई कर लेते हैं उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने अपना पेज रेडी करना है टॉपिक जरूर लिखना है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज थ्री पॉइंट एट और इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है ठीक है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वन बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई एट तो इसके लिए क्या करेंगे हम ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर लगा के नीचे वन को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो वन मल्टीप्लाई थ्री ओवर सेवन मल्टीप्लाई एट वन थ्री ज़ा थ्री सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स तो स्टूडेंट्स ये एक इम प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर है और नॉमिनेटर जो है वो स्मॉलर है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता तो इसलिए हमारे पास इसका यही आंसर होगा थ्री बाई फिफ़्टी सिक्स अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो उसमें आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो लार्जर होनी थी इस वजह से उसने डिवाइड होके तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना था क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए ये सिंपलेस्ट आंसर जो है इसी फॉर्म में आएगा उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है थ्री बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन बाई फोर एज इट इज इसी तरह आपने करना है थ्री मल्टीप्लाई सेवन ओवर फाइव मल्टीप्लाई फोर थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन एंड फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी अब ये देखें ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें आपका डिनोमिनेटर स्मॉलर है और जो नॉमिनेटर है वो क्या है लार्जर है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन जर ट्वेंटी माइनस करेंगे वन आ जाएगा तो आपके पास आपको पता है ये टर्म इस तरह से लिखी जाती है वन होल वन बाय ट्वेंटी ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर ओके स्टूडेंट्स इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है दैट इज सिक्स बाय इलेवन मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय सेवन तो आपने वही मैथड यूज़ करना है ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें ओवर लगाएं नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें सिक्स फाइव ज़ा थर्टी एंड एलेवन सेवन ज़ा सेवेंटी सेवन अगेन ये हमारे पास क्या है ये एम प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर लार्जर है और नोमिनेटर स्मॉलर है तो ये हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका यही सिंपलेस्ट हमारे पास आंसर होगा अब देखें स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एक स्टेप हो जाएगा उसमें क्या होगा आपको पता है ये हमारे पास क्या है मिक्स फ्रैक्शन इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे सिम्पलस फ्रैक्शन में जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आप उसमें पहले कन्वर्ट कर लें सेवन थ्री आपको पता है इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है उसमें ये वाली टर्म ऐड कर देते हैं सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू तो ये आ जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई फोर फाइव सा ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री बाई फोर ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जब आपके पास सेंटी में मल्टीप्लाई आ जाता है ना तो उसका मतलब होता है कि ये वाली टर्म्स को आप अगर सेम टेबल से कटती हैं तो काट दें और अगर ये वाली टर्म्स सेम टेबल से कटती हैं तो काट दें इसी तरह ओवर वाली टर्म्स अगर सेम टेबल से कट रही हैं तो आप उनको भी काट सकते हैं तो हमारे पास ये जो ऑपोजिट टर्म्स हैं ये कैंसिल हो रही थी सेम टेबल से और वो कौन सा टेबल था टू का टू टू ज़ा फ़ोर टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू बाकी कोई भी टर्म एक दूसरे से कैंसिल नहीं होती तो हमने इसको क्या करना है पहले लिखेंगे सिंपलेस्ट में इलेवन बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी थ्री बाई टू तो अब हम इसको आमने सामने जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे करेंगे सेवन टू ज़ा फोरटीन कर दिया इलेवन मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री हमने किया 11 ट्वेंटी थ्री ज़ा क्या होता है टू फिफ्टी थ्री अब हमारे पास ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरह से फोटीन वन जॉ फोटीन अब देखें माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन थ्री को हम ले गए नीचे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 14 एट सा वन माइनस करेंगे वन रह जाएगा तो इस तरह से हमने एटीन होल वन बाई फोर्टीन हमारा क्या आ जाएगा आंसर इसको आपने स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स पे कर लेना है अच्छे से बार बार वीडियो देख के समझ लेना है और आपके जो नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन हैं वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़